भी होती है, ताबकार भी होती है, और इसी से हकीकतों से बातिल कुव्वतें डरती हैं। कि हकीकत की सिफत यह है कि खुद भी रोशन होती है और दूसरी हकीकतों को भी रोशन करती है। जब हकीकत होगी खुद भी रोशन होगी, दूसरी हकीकतों को भी रोशन करेगी, और जब हकीकतें रोशन होंगी तो जो हकीकतें नहीं हैं वो आप अपनी मौत मरने लगती हैं। अब तक जो इल्मे कलाम की असास चली आ रही है उसमें बहुत कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। ये न कीजिए कि पहले अकीदा इंट्रोड्यूस कीजिए फिर इस्तेदलाल पेश कीजिए। हाँ, इब्तदाई बच्चों के लिए प्राइमरी की सतह तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर उठकर नहीं, पूरा कुरान देख लीजिए। कुरान ने इंसान के जहन को झंझोड़ा, ज़मीर को बेदार किया, उसकी आँखों को हमेशा खोलने की दावत दी। तुम फिक्र करो, तफक्कुर करो, ताक़ुल करो, तदब्बुर करो। कुरान हमने उतारा ही इसलिए है कि तफक्कुर करो, कुरान उतारा ही इसलिए है कि तदब्बुर से काम लो, कुरान नाजिल ही इसलिए किया है कि ताक़ुल से काम लो। यानी हम अपना कलाम उतार रहे हैं इसलिए कि सोच समझ के कबूल करो, आंख बंद करके कबूल ना करो। जो खुदाए करीम और रहीम और जलील, जो खुदाए अलीम और हकीम, जो खुदाए अजीज और हकीम अपनी बात को बगैर अक्ल और मंतिक के तस्लीम करने पर राजी नहीं है, वो किसी और की बात कबूल करने पे कब राजी हो। इंसान का आलमिया यह है कि जब हम कुरान पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि फला मुफस्सिर ये कहते हैं। हम कह रहे हैं जाहिर कुरान ये है, ज़ुहूर कुरान इस मानी में रखता है। वो कहते हैं मगर हमारे फला मुफस्सिर साहब तो इसे नहीं तस्लीम करते। कोई भी हो, आम बात, हम हो, आप हो, कोई भी, तौहीद के दलाइल कुरान ने जो पेश किए, जाहिर है ये गुफ्तगू सिर्फ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेमवर्क पेश करने के हद तक है। मुफस्सल तौर पर एक एक उसूल पर गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़िमनन कुछ बातें तो अर्ज़ करनी है। जो दानिश जू हैं और जो दानिशवर हैं, जो तालिब इल्म हैं और तलब इल्म का ज़ौक़ रखते हैं, और इंशाअल्लाह आप सब में ये ज़ौक़ होना चाहिए और है किसी न किसी हद तक। अवलन तो इंसान की सरिश्त ही में अल्लाह ने यह ज़ौक़ रखा है, और फिर जो लोग खिंच खिंच के इस फर्श अज़ा पे आते हैं उन्हें कोई और कशिश खींच के नहीं लाती, ये तलब इल्म है जो यहाँ खींच कर लाती। तलब इल्म, तलब मारिफत, तलब हिदायत, ये तलब है जो खींच के यहाँ लाती है, यही कशिश आपको यहाँ लाती है। तो आप सबसे मुझे हुस्न ज़न है। तो जो भी दानिश जू हैं, दानिशवर हैं, तलब इल्म का ज़ौक़ रखते हैं, उनके लिए ये एक दावत है कि गौर करते रहें और देखें कि क्या कहा है लोगों ने। कल सरसरी तौर पर हवाला देकर गुजर गया था कि तौहीद बारी ताला के सिलसिले में, वजूद हक सुबहाना हुआ ताला के सिलसिले में जो दलाइल हैं
उन्हें हमारे बाज मशहूर फलासफा और मुफक्किरीन ने कहा कि स्कॉलास्टिक अप्रोच जो है वो तमाम दलीलों को तीन कैटेगरीज में पेश करता है। कुछ हैं कॉस्मोलॉजिकल एविडेंसेस या आर्गुमेंट्स, कुछ हैं जो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं यानी इल्लत गाई से बहस करते हैं, दलील गाई, और कुछ हैं जो ऑन्टोलॉजिकल हैं यानी वजूदी, दलील वजूदी। और फिर इन तमाम दलाइल पे तनकीहें कायम की, एतराज़ात किए, ईराद किए, ख़दशे वारिद किए। हम जिस हौज़ इल्मिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ तो ये मुस्तकिल उसलूब है, एक हर्फ किसी का कबूल नहीं करते जब तक कि उस पर 10 एतराज़ वारिद न करें। मुझे खुशी होती है कि बर सग़ीर से भी अब बाज़ ऐसे अफ़ाज़िल हैं कि जो उस बुलंद सतह इल्मी तक पहुँच चुके हैं और उनसे और तवक्कुआत हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में वो एक फ़कीह जामिउ शराइत के तौर पर सामने आएंगे और अपनी मिल्लत की दस्तगीरी करेंगे। और इस वक्त भी वो कोई कमतर दर्जा नहीं रखते हमारे बिरादर अज़ीज़ और मुकर्रम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सलमान नक़वी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा करें। बिरादर मुकर्रम जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इफ्तिखार आबिद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। और आज तो हमारी बज़्म में हमारे बहुत देरीना दोस्त और एक अच्छे दानिश्वर और अच्छे मुदब्बिर जनाब आकाए ज़मानी भी तशरीफ़ फरमाएँ कि जो इस वक्त रुए ज़मीन पर एक वाहिद और मुनफरिद ममलिकत तौहीदी और ममलिकत विलायत के नुमाइंदे हैं। खुदा उस ममलिकत को भी अबदियत अता फरमाए। तो इन हजरात की मौजूदगी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो उसलूब बहस होता है हौज़ इल्मिया में, उम्मे नजफ में, कोई बड़े से बड़ा आगाए खुई ने ये कहा है मगर उनके कौल पे ये एतराज़ वारिद होता है। आगाए सिस्तानी ने ये फरमाया है मगर उनके कौल पर ये एतराज़ वारिद होता है। और मैं ये कहता हूँ हौज़े का उसलूब ये, कोई कौल किसी का हम कबूल नहीं करते जब तक के उसको एतराज़ात उस पर जितने वारिद होते हैं उसका जायज़ा ना ले लिया जाए। जो ज़ौक़ रखते हैं वो हौज़े में जाएं और देखें। इसी तरह इल्म का कदम आगे बढ़ता है, आँख बंद करके किसी का कौल कबूल नहीं किया जाता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये मासूम है। और मासूम को भी मासूम उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाता जब तक के दलाइल की रोशनी में साबित ना हो जाए कि मासूम है। हम मुहम्मद अरबी को मासूम जानते हैं मगर दलाइल की रोशनी में, और सबसे बड़ी दलील ये है, तमाम दलीलों से बड़ी दलील ये है कि उनके खून के दुश्मन, खून के प्यासे दुश्मन भी उन्हें सादिक व अमीन कहा करते हैं। सादिक व अमीन पैगंबर मासूम थे। अब ये बजाय खुद दलील है कि जब एक सादिक व अमीन किसी को सादिक व अमीन कह दे, एक सादिक व अमीन जो अकली और नकली, समी और मंतिकी तमाम दलीलों की रोशनी में सादिक व अमीन है, वो किसी और को सादिक व अमीन कह दे, और सिर्फ कही ना दे, जिसे सब
आपने अमीन बनाया हो वो उसको